नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। नए साल 2021 के आगाज के साथ ही फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस की वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है और इसके इमरजेंसी यूज की इजाजत भी मिल गई है। बता दें कि WHO ने कहा कि वह दुनिया भर के देशों से इस वैक्सीन के लाभ के बारे में बात करेगा। वहीं भारत में आज ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है, जिसको लेकर आज अधिकारियों की मीटिंग भी होगी। WHO ने गरीब देशों तक कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसेस को भी शुरू कर दिया है। इस सूची में शामिल होने के बाद किसी भी कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर के देशों में आसानी से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाएगी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने फाइजर वैक्सीन की समीक्षा के बाद कहा कि इससे सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए अवश्य ही मानदंड मिलना चाहिए। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और एक दर्जन अन्य देशों में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले ब्रिटेन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। अमेरिका के सैन डियागो के संक्रामक रोग विशेषज्ञ की स्टियन रैमर्स ने बताया कि वैक्सीन ट्रायल से ये पता चल चुका है कि खुराक लेने के 10 से 14 दिन बाद ही व्यक्ति में इम्यूनिटी तैयार होती है। वही पूरी सुरक्षा के लिए दूसरी खुराक भी लेनी होती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.